भानु प्रताप जी, आपका एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये जो अभी जो चार जो मुख्य न्यायाधीश हैं और हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है लोकतंत्र खतरे में है। तो सर, ये जजों ने इस तरीके के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे भारत को ये बताया है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में, तो ये क्या मैटर है जजों के बारे में? देखिए, मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा कि चार, थोड़ा सा बोलने में आपसे हुआ कि चार मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं, चार मुख्य न्यायाधीश एक हैं, लेकिन उनके बाद में जो सबसे सीनियर चार जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर आते हैं, उन चारों जजेस ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये जो लोकतंत्र खतरे में है ये बात कही है। मैं इसमें इतना कहना चाहूँगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद चार सीनियर मोस्ट जजेस, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें ये कहना पड़ा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, तो ये देश के लिए बहुत गंभीर मसला है। ऐसी क्या स्थिति रही कि इन जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उन्होंने कहा भी और चेहरे से भी दिख रहा था कि बहुत दुख के साथ में उन्हें यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है जी। लेकिन देश को यह बताना जरूरी था कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और उन्होंने विशेष रूप से जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने 2 महीने पहले एक चिट्ठी लिखी 7 पेज की और उसके बाद कल वो उनसे मिलने भी गए, लेकिन उन्होंने, चीफ जस्टिस ने उनको कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जी। और हार कर तब उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, वो स्थिति गंभीर तो है ही, इसके साथ साथ सबसे बड़ी गंभीरता ये है कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में संवाद की स्थिति बिल्कुल खत्म हो गई, अन्यथा ऐसा कभी हुआ नहीं दुनिया के इतिहास में और भारत के इतिहास में, न्यायिक इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ है। तो स्थिति बहुत गंभीर है।